अब हम लोग ग्रामीण समाज शास्त्र में जानेंगे चार पांच कॉन्सेप्ट को जो रूरल प्रोसेस है, जो समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल है। उसमें एक है स्थानीयकरण, पैरोकियलाइजेशन, एक है सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, संस्कृतिकरण, संस्कृतिजेशन, लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन एंड बृहद परंपरा, ग्रेट ट्रेडिशन। इसकी बात हम करते हैं तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें निहित कुछ परिवर्तनों के माध्यम से ही किया जा सकता। ये सारे परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिकी हो सकते हैं। जैसे ग्रामीण अध्ययन के प्रति समाज शास्त्रियों एवं अन्य विद्वानों की रुचि बढ़ती जा रही है तो अनेक प्रक्रियाओं के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार इन सारे प्रक्रियाओं को हमें एक एक करके समझना है और भारतीय ग्रामीण समाज में परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया आज से नहीं, हमेशा से, क्योंकि कोई भी समाज दुनिया में स्थिर नहीं है। इन्हीं अवधारणाओं की सहायता से भारतीय ग्रामीण व्यवस्था, उसमें होने वाले परिवर्तन को समझेंगे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रक्रियाएँ को ये है जो संस्कृतिकरण है, सामाजिक परिवर्तन की बहुत इम्पोर्टेंट है। एम एन श्रीनिवास ने इसकी चर्चा की है। वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, आधुनिकीकरण है, सार्वभौमिकरण है, पैरोकियलाइजेशन है, स्थानीयकरण है, लिटिल ट्रेडिशन है और ग्रेट ट्रेडिशन। इन सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि भारतीय समाज में परिवर्तन इन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, नगरीयकरण, आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, लघु परंपरा, बृहद परंपरा। और ये सारे टॉपिक देखिए एम एन श्रीनिवास को कवर करता है, देसाई को कवर करता है, आंध्रे वित्तई को कवर करता है, तो थोड़ा बहुत आप इस हिसाब से देख लेंगे। तो स्थानीयकरण, सार्वभौमिकरण नामक अवधारणा का प्रयोग मैकिंग मैरियट ने किया उत्तर पर। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसकी चर्चा किसने की? मैकिंग मैरियट ने। ये नेट में आ सकता है, प्रश्न आता है ये। हाँ, उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी के अपने अध्ययन में किया। कहाँ? किशनगढ़ी के। ये आता है। अपने अध्ययन के आधार पर बृहत एवं लघु परंपराओं के माध्यम से होने वाली अंतःक्रिया को समझाने का उन्होंने प्रयास किया। एम एन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत में कुरुगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विश्लेषण करते समय पहली बार संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। बाद में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा की अवधारणा, आपका मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, लघु परंपरा और बृहद परंपरा। तो कौन है ये? रॉबर्ट रेडफील्ड। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। तो और यहाँ इन पांचों अवधारणाओं को समझने का कोशिश करते हैं। तो स्थानीयकरण है, तो स्थानीयकरण भारतीय ग्रामीण व्यवस्था की विधिवत अध्ययन के लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज में पाए जाने वाली सांस्कृतिक परंपराओं का पता लगाया जाए। भारतीय समाज में सांस्कृतिक परंपराओं के तीन प्रमुख धाराएं हैं जिन्हें सांस्कृतिक उपसंरचना के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर टी के उन्नीथान, इंद्रदेव, योगेंद्र सिंह ने इन तीन उपसंरचनाओं को देखा। इसको ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन है? एलिट सबकल्चर, अभिजात उपसंरचना, दूसरा है फॉग सबकल्चर, लोक उपसंरचना, और तीसरा है जनजातीय उपसंरचना। लेकिन ध्यान रखने की चाहिए कि इनमें से किसी भी सांस्कृतिक उपसंरचना का प्रतिनिधित्व समाज के किसी एक वर्ग विशेष के द्वारा नहीं किया जाता। ये सब उपसंरचना है जिसको लोग मतलब फॉलो करते हैं। एक अभिजात, एक है लोक, एक है जनजातीय उपसंरचना। कोई भी उपसंरचना इस दृष्टि से अपने विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। लोक और अभिजात संस्कृति तत्व एक दूसरे से काफ़ी निकट पाए जाते हैं। इन सांस्कृतिक परंपराओं के वाहक भी एक दूसरे के काफ़ी निकट रहते हैं।
यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि लोक परंपराओं का प्रमुख क्षेत्र ग्रामीण भारत एवं अभिजात परंपराओं का मात्र नगरीय भारत रहा है। अभिजात परंपराओं का नगरीय भारत रहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया और बतलाया कि प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है। एक और अभिजात लोगों की ये थोड़े से चिंतनशील लोगों की परंपराएं आती है जिन्हें हम बृहद परंपरा कहते हैं। दूसरी ओर लोक एवं निरक्षक कृषकों की परंपराएं आती है जिन्हें हम लघु परंपरा कहते हैं। तो अभिजात वर्ग की जो परंपरा है उसे ग्रेट ट्रेडिशन कहते हैं, बृहद परंपरा, और जो कृषक वर्ग की जो परंपरा है उसे लघु परंपरा कहते हैं। तो ये रहा, ये दोनों परंपराएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। इसी सहसंबंध को मैकी मैरियट ने स्पष्ट किया है। ये टर्म किसने दिया? मैकी मैरियट ने। मैकी मैरियट ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किशनगरी गांव के अध्ययन के आधार पर लघु एवं वृहत परंपराओं के मध्य स्पष्ट होने वाली अंतःक्रिया को स्पष्ट करने के लिए दो अवधारणाओं का प्रयोग किया। तो किसने किया? मैकी मैरियट ने। ये क्वेश्चन आता है नेट में, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण। तो मैकी मैरियट ने लघु परंपरा बृहद परंपरा के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए स्थानीयकरण के संबंध में मैकी मैरियट ने लिखा कि साहित्यिक स्वरूपों आदि को स्थानीय बनाने की एक प्रक्रिया है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया भारतीय प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदाय में क्रियाशील दिखाई पड़ती है, जबकि सार्वभौमिक करण की अवधारणा का प्रयोग सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक ज्ञान को आगे बढ़ाने एवं ऊंचा उठाने के लिए क्या है। यहाँ तो स्थानीयकरण का अर्थ है लोकल से है, पैरोकेलाइजेशन, स्थानीयकरण, छोटी बृहद परंपरा को छोटे छोटे रूप में देखना। साधारण शब्दों में पैरोकियल का अर्थ है संकीर्णता, देहातीयकरण से। शाब्दिक रूप में कोई भी वो प्रक्रिया जो समूह की भावना को संकीर्ण बनाती है अथवा समूह में ग्राम की स्थानीय विशेषताओं को उत्पन्न करती है, समूह में ग्राम की स्थानीय विशेषता को उत्पन्न करती है, उसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। स्थानीयकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मॉरिस प्रॉपलर ने किया था, इसको आप याद कीजिए, नेट में आ सकता है। लेकिन बाद में मैकी मैरियट ने जिस रूप में इसकी विवेचना की उसमें संकीर्णता को अधिक महत्व न देकर स्थानीय धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व दिया गया। मैकी मैरियट का मानना है कि अनेक संस्कृतियां जब काफी समय से चली आ रही है वे काफी पुरानी हो जाती है तो उनका बृहद परंपरा में परिवर्तन होने लगता है, तब साधारणतया ऐसी परंपराओं को स्थानीय विश्वास और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किया जाने लगता है। धीरे धीरे बृहद परंपरा के अनेक तत्व लघु परंपरा के रूप में विकसित हो जाते हैं। जो बृहद परंपरा यानी बड़ी परंपरा है वो छोटी हो जाती है, स्थानीय हो जाती है और उसको स्थानीय बनाने की कोशिश की जाती है। किसी भी स्थानीय परंपरा के मूल स्वरूप, उसकी उपयोगिता तथा धर्म ग्रंथों से उसके संबंधों को समझना बहुत कठिन हो जाता है। स्वयं ही एक ही गांव के व्यक्ति भी ऐसी परंपरा के बारे में न तो अधिक जानकारी दे पाते हैं और न वह उस जानकारी के प्रति एकमत हो पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वृहद परंपरा से संबंधित विभिन्न विश्वास या विभिन्न स्थानों एवं क्षेत्रों की पृथक संस्कृतियाँ सांस्कृतिक विशेषताएँ बनकर भिन्न भिन्न रूप ग्रहण कर लेती है। इसी आधार पर मैकी मैरियट कहते हैं कि जब बृहद परंपरा में गांव की स्थानीय विशेषताओं का समावेश होता है तब इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण, बृहद परंपरा स्थानीय परंपरा में बदल जाती है। मैकी मैरियट ने स्थानीयकरण की अवधारणा को परिभाषित किया है कि बृहद परंपरा के तत्वों का नीचे की ओर बढ़ना तथा लघु परंपरा के तत्वों से मिल जाना स्थानीयकरण कहलाता है। वृहद परंपराओं के अंतर्गत अनेक छोटी छोटी स्थानीय परंपराओं का विकास हो जाता है और संस्कृति का अल्प विकास अथवा ह्रासोन्मुख परिवर्तन, जिसे हम स्थानीयकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब स्थानीयकरण के मैकी मैरियट ने 5 भागों में बांटा है। पहला है, स्थानीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समाज की बृहद परंपराओं के अंदर एक स्थान विशेष के विश्वास और कर्मकांडों का समावेश होता है। स्थानीय परंपरा, जैसे मान लिया कि बृहद परंपरा है कि राम है, लेकिन एक
स्थानीय देवता बना लिया, स्थानीय हो गया। ये है स्थानीयकरण की प्रक्रिया वृद्धि एवं विवेक को अत्यधिक महत्व नहीं देती। इसका आशय यह है कि स्थानीय विश्वासों के अनुसार विहित परंपराओं में जो परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें तार्किक तथा बौद्धिक आधार पर विवेचित नहीं किया जा सकता। स्थानीयकरण की प्रक्रिया किसी परंपरा के द्वारा संपूर्ण समूह की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया परंपराओं को उनके मूल स्वरूप से दूर ले जाती है। वृहत परंपराएं अत्यंत व्यवस्थित रूप में होती है, लेकिन जब उनका स्थानीयकरण हो जाता है तो उनसे संबंधित व्यवहार कर्मकांड में कोई व्यवस्था नहीं रह जाती, स्थानीय हो जाती है। तो ये रहा। और स्थानीयकरण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैकी मैरिट ने स्थानीयकरण के इसके प्रक्रिया की गोवर्धन पूजा एवं नौती के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। गोवर्धन पूजा और नौती, अब क्वेश्चन आ जाएगा नेट में, गोवर्धन पूजा और नौती किसका उदाहरण है? आधुनिकीकरण, बृहत परंपरा, स्थानीय परंपरा और नगरीकरण, तो आप बताएंगे स्थानीय परंपरा। मैकिन मैरिट के अनुसार गोवर्धन पूजा का पर्व जिस प्रकार अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव में भगाया जाता है, मनाया जाता है, वो सीमाओं के कुछ प्रकारों परिवर्तनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो वृहत परंपरा से लघु परंपरा सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के नीचे की ओर हस्तांतरण के दौरान होते हैं। सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के रूपांतरण के प्रकार जो गोवर्धन पूजा के त्यौहार में प्रकट हैं को व्यक्त करने अर्थात वृहत परंपरागत तत्वों के नीचे की ओर और तत्वों के साथ एकीकरण को बताने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है। इस गति को सार्वभौमिकरण के विपरीत है। स्थानीयकरण स्थान को सीमित करने, बोधगम्यता के क्षेत्र को संकुचित करने की, साहित्यिक स्वरूप वंचित से वंचित करने की तथा कम व्यवस्थित एवं कम विचारपूर्ण प्रयासों में घटित होने की प्रक्रिया है। तो ये रहा कुल मिलाकर के। तो गोवर्धन भाषा की अज्ञानता व्युत्पत्ति के कारण स्थानीय भाषा के अनुसार गोवर्धन बन गया। इस प्रकार गांव वालों ने गोबर को ही सबसे बड़ा धन मानना प्रारंभ कर दिया। किशनगढ़ी के प्रत्येक परिवार में आंगन में गोबर के एक पर्वत के रूप में गोवर्धन दिखलाई देता है। इस गोबर से बने हुए पर्वत को तिनके एवं रूई से बनाए गए पेड़ों से सजाया जाता है। गोबर की बनी दीवार के अंदर परिवार के गाय, बैल, भैंस और यहाँ तक के परिवार के ग्वाले, पशुओं को चारा खिलाने के नाद, दूध निकालने के बर्तन, पशुओं की पानी पिलाने का स्थान आदि भी गोबर के संकेत के रूप में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार उस दिन परिवार के ग्वाले को 1 रुपया भेंट दिया जाता है। संध्या के समय उस प्रत्येक परिवार के सगुत्री लोग सम्मिलित रूप से इस पर्वत की पूजा करते हैं। पर्वत के मध्य मार्ग में एक दीपक जलाते हैं। पर्वत के चारों ओर बनाए गए पेड़ों पर धागा लपेटते हैं। पितामह गोवर्धन की दीर्घायु होने ने हेतु नारे लगाते हैं। तो ये रहा। इसी स्थानीय अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैकी मैरिट ने एक और उदाहरण दशहरे के अवसर पर मनाए जाने वाले त्यौहार नौ दुर्गा नवरात्रि नौरथा का भी उल्लेख किया है। संपूर्ण भारत में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन दुर्गा, अम्बा, काली, प्रादी की पूजा की जाती है। अतः यह वृहत परंपरा की श्रेणी में आता है, लेकिन वृहत परंपरा का यह त्यौहार किशनगढ़ी गांव में पहुंचने तक संपर्क के कारण भाषाई अस्पष्ट और अर्थ के नष्ट हो जाने के परिणाम स्वरूप एक नई छोटी देवी का प्रादुर्भाव हो गया और यह नई देवी नवरथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के एक नया परिवर्तन होता है जो बृहत परंपरा में एक परिवर्तन हो जाता है और स्थानीय परिवर्तन होता है एक नई जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं होती, तार्किकता नहीं होती है, उसको स्थानीयकरण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्थानीयकरण को समझ चुके हैं। अब हम लोग सार्वभौमिकरण को देखते हैं। सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण के विपरीत है। सार्वभौमिकरण मूलतः स्थानीयकरण की अवधारणा के विपरीत है। शाब्दिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे देखें तो हम कह सकते हैं सार्वभौमिकरण किसी सांस्कृतिक विशेषता का प्रत्येक स्थान में प्रसार होना है, और आप कह सकते हैं पैरोकिलाइजेशन का यूनिवर्सलाइजेशन होना, स्थानीयकरण का सार्वभौमिकरण होना है और किसी भी दृष्टिकोण का सार्वभौमिकरण होना है, प्रसार होना है। मैकी मैरिट ने सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख ऐसी स्थिति के लिए किया है जिसमें स्थानीय लघु परंपराओं में स्नेह स्नेह बृहत परंपरा का निर्माण होता है। समझिए,
लघु परंपरा से वृहत परंपरा का निर्माण होता है सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के कारण। वृहत परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो पूरे भारतवर्ष में एक रूप में मनाया जाता है, जैसे राम का अस्तित्व, हनुमान का अस्तित्व, श्री कृष्ण का अस्तित्व, श्री कृष्ण के बारे में, राम के बारे में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, साहित्यिक ज्ञान, वो व्यवस्थित है, हर जगह एक है, यह वृहत परंपरा है। लघु परंपरा, कोई भी वृहत परंपरा, लघु परंपरा तब बनती है जब वो स्थानीय संस्कृति से जुड़ जाती है। तो सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख मिल्टन सिंगर एवं रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है नेट के पॉइंट से, और इसको आप जरूर नोट करें जो हम बताते हैं। इसका प्रयोग मैक्टिम मैरिट ने लघु परंपरा वृहत परंपरा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए किया है। तो सार्वभौमिकरण के द्वारा मैकी मैरिट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया बहुत मशहूर है, इसको भी आप याद करेंगे, ये क्वेश्चन आता है, लिटिल कम्युनिटी इन इंडियन सिविलाइजेशन में लिखा है, ये समझने के लिए कि अक्सर प्राचीन संस्कृति कर्मकांड असंस्कृतिक कर्मकांडों को हटाए जाने उनसे क्यों जुड़ जाते हैं, हमें उस प्रक्रिया को समझना होगा कि स्वदेशी सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रकार सार्वभौमिकरण के अर्थ को आप समझिए। सार्वभौमिकरण मैकी मैरियट लघु परंपरा के तत्व यानी देवी देवताएं जो लघु होती हैं, जो स्थानीय होती हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात फैलाव का क्षेत्र बढ़ता है, उसे सार्वभौमिकरण कहते हैं। लघु परंपरा जो स्थानीय होती है, जो एक विशेष क्षेत्र में होती है, जब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और पूरे भारत में फैलती चली जाती है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। बृहत परंपरा के स्तर तक पहुंच जाते हैं, उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। मैकिंग मैरियट ने लिखा है सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य बृहत परंपरा का उन तत्वों से निर्मित होता है जो छोटी परंपराओं में पहले से ही विद्यमान होती है और जिनसे बृहत परंपराएं सदैव आच्छादित रहती हैं। तो ये रहा, अब हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं सार्वभौमिकरण की। सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का विकास लघु एवं वृहत परंपराओं के पारस्परिक संबंधों से होता है। सार्वभौमिकरण में लघु परंपराएं अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करती, वरना वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के बाद भी अपने से भिन्न एक नई वृहत परंपरा का निर्माण करती है। तो एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण, लघु परंपरा और वृहत परंपरा, इन चारों का संबंध एक दूसरे से है। लघु परंपरा का वृहत परंपरा में परिवर्तन सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, और वृहत परंपरा का लघु परंपरा में परिवर्तन स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस चारों कंसेप्ट पर ध्यान रख दीजिए। लघु एवं वृहत परंपराएं पवित्रता के दृष्टिकोण से समान रूप से बनी रहती है। इस प्रकार वृहत परंपराएं पूर्णतः नवीन दिखाई देने के बाद भी पूरी तरह नवीन नहीं होती, बल्कि वे वृहत परंपराएं लघु परंपराओं की ही संशोधित रूप होती हैं। इसी तरह लघु परंपरा भी वृहत परंपरा के संशोधित रूप होते हैं। संक्षेप में सार्वभौमिकरण स्थानीयकरण धार्मिक विश्वास एवं कर्मकांडों का एक व्यापक विस्तार है। तो ये रहा, स्पष्टतः लघु परंपरा के तत्व फैलते फैलते काफी विस्तृत रूप फैल जाते हैं, फैलाव के इस अवधि में अपने मूल स्वरूप को खो देते हैं और शने शने वे वृहत परंपरा के अंग के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो इसे हम सार्वभौमिकरण कहते हैं। सार्वभौमिकरण के उदाहरण देखने से भी स्पष्ट है कि भारत की वो परंपराएं जो स्थानीय विशेषताओं का केवल मिश्रण ही नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय के स्थानीय विशेषताओं ने अनेक वृहत परंपराओं को जन्म दिया। मैकिंग मैरियट ने किशनगढ़ी के अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि यहाँ दीपावली के त्यौहार के अवसर पर गांववासी अपने घर की दीवार पर चावल के आटे की एक प्रतिमा बनाते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में यहाँ के निवासी सौरती कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन आ सकता है नेट में। सौरती कहते हैं, सौरती देवी की पूजा करना दीपावली के दिन यहाँ के ग्रामीणों के लिए अनिवार्य माना जाता है। यहाँ के निवासियों की मान्यता है कि लक्ष्मी धनवानों की देवी है, जब से सौरती अपनी उनकी अपनी देवी है। यहाँ सौरती के अलावा लक्ष्मी की भी पूजा दीवाली पर किया जाता है। मैरियट इस संबंध में बताते हैं कि सौरती से संबंधित विश्वास लघु परंपरा से संबंधित है। अब सौरती एक लघु परंपरा हो गई, लेकिन जब इसका फैलाव विस्तृत होने लग गया तो ये फैलाव ऊपर की ओर जाता है,
तो इस लंबी यात्रा में उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और उसने लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया। और लक्ष्मी यही सौरती को बोले लक्ष्मी का रूप ग्रहण कर लिया। लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जिसकी गणना विरहित परंपरा के अंतर्गत होती है। तो कहते हैं किशनगढ़ी के लोग सौरती का पूजा करते हैं, सौरती ही विरहित परंपरा में लक्ष्मी बन जाती है। इस प्रकार सौरती मैकिंग मैरियट एक अलग उदाहरण देते हैं रक्षाबंधन का, कि रक्षाबंधन की विरहित परंपरा का प्रारंभ एक ऐसी लघु परंपरा से हुआ जिसे किशनगढ़ी में सलूनों का त्यौहार कहा जाता है। संपूर्ण राष्ट्र में रक्षाबंधन के दिन इस गांव में सलूनों का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार के कुछ दिन पहले ही परंपरागत रूप से विवाहित स्त्रियां अपने माता पिता के घर ससुराल लौटने की तैयारी करती है। ये स्त्रियां अपने ससुराल के लिए वापस जाने से पूर्व अपनी विवाहित बहनों सहित भाइयों के सिर तथा कान पर जो कि बालें रखती हैं वस्तुतः पवित्र माने जाने वाले अनाज, वस्तुतः वे ऐसे अपने भाइयों के प्रति अपनी आस्था एवं संबंध रखने के लिए करती हैं, क्योंकि भाई अपनी बहनों से बिना कुछ दिए कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते। तो आप ये देखिए यहाँ की लघु परंपरा जो सलूनों हैं वो एक विरहित परंपरा के रूप में देखते हैं रक्षाबंधन के रूप में। रक्षाबंधन के त्यौहार की उत्पत्ति सलूने जैसे लघु परंपरा से हुई है। मैकी मैरियट कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का त्यौहार सलूने जैसे लघु परंपरा के त्यौहार से हुई है। सलूनो एक लघु परंपरा है, रक्षाबंधन वृहत परंपरा है। किशनगढ़ी में दोनों ही त्यौहार साथ साथ मनाए जाते हैं। प्रकट है कि सलूनों के त्यौहार का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता गया और शनै शनै इस त्यौहार ने जो एक लघु परंपरा थी वो बृहत परंपरा का रूप धारण कर लिया और पुराण उन अन्य दूसरे सांस्कृतिक धर्म ग्रंथों में इसके स्थान ले लिया। इस प्रकार सलूनों का रक्षाबंधन के रूप में परिवर्तित होना भी सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये रहा, आपको समझ में आ गया होगा स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण और लघु परंपरा और विरहित परंपरा। स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण में थोड़ा हम लोग अंतर देख लेते हैं कुछ पॉइंट पे। स्थानीयकरण का आशय विरहित परंपराओं का नीचे की ओर विकास होना है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया परंपराओं के क्षेत्र को सीमित करती है, जबकि विरहित परंपरा असीमित है, वो सार्वभौमिकरण की तरह प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ती है। और ये सारे डिफरेंसेस काम आएंगे और कॉन्सेप्ट के लिए नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ISPCS में भी ये क्वेश्चन आते हैं। स्थानीयकरण की प्रक्रिया का प्रभाव वृद्धि होने से स्थानीय विश्वासन कर्मकांडों की संख्या में वृद्धि होती है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया किन्हीं नए विश्वासन कर्मकांडों को जन्म नहीं देती, बल्कि ये पहले से विद्वान परंपराओं तत्वों को अनेक छोटी छोटी परंपराओं विकसित करती है। स्थानीयकरण के विपरीत है सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया। स्थानीयकरण की प्रक्रिया एक प्रकार से पर्यावाची परंपरा है। बहुत परंपरा स्थानीय परंपराओं का स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में स्थान और समूह में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन भी हम लोग समझ चुके हैं। ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन देखिए, परंपरा क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ। परंपरा क्या? सबसे पहले आइडिया, विचार का विकास होता है, उसके बाद हैबिट, वो विचार आदत बनते हैं, उसके बाद फोकवेज, वो आदत रीति रिवाज बनते हैं। ये सब याद कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद ये कस्टम बनते हैं, प्रथा, और कस्टम मोर्स बनते हैं। कस्टम ही आप देखिए आगे चल के ट्रेडिशन बनते हैं। तो प्रथा जब कोई रीति रिवाज तौर तरीके लंबी अवधि तक चलती रहती है समाज में तो वो प्रथाएं हो जाती है, परंपरा हो जाती है। परंपरा किसी योगेंद्र सिंह के डिफिनेशन को देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडिया में लिखते हैं परंपरा की व्याख्या करते हुए, परंपरा किसी समाज की संचित विरासत है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है, जैसे मूल्य व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत संरचना। इस प्रकार हम देखते हैं परंपरा सामाजिक विरासत है और वह भौतिक पक्ष
प्रथा रूढ़ी आदतें विचार विश्वास रीति रिवाज धर्म कानून ये सारी जो लंबी अवधि तक चलती रहती है, तो इस पे हम लोग वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी, ये दोबारा आ गया है। तो लघु परंपरा वृहत परंपरा स्थानीयकरण को भी हम लोग लघु परंपरा और वृहत परंपरा में संबंध हैं, क्योंकि लघु परंपरा ही जैसा कि आपने देखा मैकिंग मैरियट के अनुसार किशनगढ़ी में दिवाली और दशहरा जो एक बृहत परंपरा है वो लघु परंपरा से उत्पन्न हुई है, और लघु परंपरा का वृहत की ओर जाना ही वृहत परंपरा है, और यह सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के और स्थानीयकरण की प्रक्रिया के अनुसार लघु परंपरा विकसित होती है। डॉक्टर दुबे ने परंपराओं का वर्गीकरण 6 रूपों में किया है, चूंकि आता है ये क्वेश्चन नेट में, तो इसको आप 6 परंपरा की चर्चा करते हैं। शास्त्रीय परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा, सामाजिक समूहों की स्थानीय परंपरा, उप सांस्कृतिक परंपराएं। डॉक्टर दुबे के मन में उपरोक्त वर्गीकरण भारतीय सांस्कृतिक वास्तविकताओं का अधिक प्रतिनिधित्व करता है, विश्लेषण के लिए उत्तम संदर्भ ग्रंथ प्रस्तुत करता है, और आपके अनुसार इनमें से प्रत्येक परंपरा का अध्ययन ग्रामीण नगरीय संदर्भ में किया जाना चाहिए। तो ये रहा कुल मिलाकर के हम लोगों ने जाना, और आगे अब हम लोग ग्रामीण शक्ति संरचना नेतृत्व प्रतिमान ग्रामीण कूटबंदी प्रभुत्व जाति को देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।